हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुक विद काशनी में। आज मैं लेकर आई हूँ रगड़ा पैटिस की रेसिपी। चाट एक ऐसी रेसिपी है जो सभी को ही पसंद है। आज हम बनाएंगे एकदम चटपटी और सिंपल चाट की रेसिपी। आज के इस वीडियो में मैंने सभी चीज़ें शेयर की हैं जिससे चाट एकदम परफेक्ट और चटाकेदार बनेगी। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल कुक विद काशनी में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले रगड़ा बना लेते हैं। तो रगड़ा बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कप सफ़ेद मटर ले लिया है। इस सफ़ेद मटर को साफ धोकर 4 से 5 घंटे के लिए या फिर रात भर के लिए भिगा देना है। यहाँ इन सफ़ेद मटर को पहले से भिगा कर रख लिया था। भीग कर ये कुछ इस तरह के दिखेंगे। अब इन मटर को उबालने के लिए इन्हें एक प्रेशर कुकर के डब्बे में डाल लेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेना है। पानी डल जाने पर इसमें आधा चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी ऐड कर लेनी है। इस सफ़ेद मटर को प्रेशर कुकर में 3 से 4 सीटी आने तक कुक कर लेना है। आप चाहें तो इसमें पिंच ऑफ सोडा भी ऐड कर सकते हैं। मटर यहाँ पर उबल चुके हैं। ध्यान रहे मटर को बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक उबाल लेना है। इस उबले हुए मटर को हल्का सा मैश कर लें। रगड़े में थिकनेस लाने के लिए 1 बड़ा चम्मच मैश किया हुआ आलू ऐड करेंगे। आलू को भी मैश करते हुए मिक्स कर लेना है। अब रगड़ा बनाने के लिए एक कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच तेल डालकर गरम कर लेना है। फिर इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे, साथ ही 1 बड़ी बारीक कटी हुई प्याज, आधा चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल लेना है। अब प्याज को हल्का ब्राउन होने तक कुक कर लेना है। तो इसे आप मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए भून लें। प्याज भून चुकी है। इसमें अब 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच तीखी लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल लेंगे। मसाले डालकर इसे भी 1 मिनट के लिए भून लेना है। गैस की फ्लेम लो पर रखें जिससे मसाले जले ना। नेक्स्ट इसमें 2 ग्रेट किए हुए टमाटर ऐड करेंगे और साथ ही स्वाद के अनुसार नमक। नमक ऐड करने से टमाटर जल्दी से पक जाते हैं। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और टमाटर प्याज का कच्चापन जाने तक कुक कर लेना है। तो मसालों को मैंने ढक कर पका लिया है। आप देख सकते हैं मसाले ने ऑयल भी रिलीज कर दिया है और ये बहुत अच्छी तरह कुक भी हो चुका है। अब इस मसाले में बॉईल किए हुए मटर ऐड कर लेने हैं। मटर डालकर उसे भी मिक्स कर लें। मिक्स हो जाने पर रगड़े में बॉईल किया हुआ पानी ऐड करना है। हमेशा गर्म पानी ही ऐड करें। फिर इसमें थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच अमचूर पाउडर और 1 चम्मच चाट मसाला भी ऐड कर लूंगी। इन सभी को भी मिक्स कर लेना है और अच्छा उबाल आने देना है। रगड़े में उबाल आ चुका है। ये गर्मा गर्म चटपटा सा रगड़ा बनकर तैयार है। अब रगड़ा पैटिस के लिए टिक्की यानी पैटिस बना लेंगे। तो यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू ले लिए हैं, साथ ही यहाँ मैंने एक कच्चे केले को भी बॉईल करके ले लिया है। जी हाँ, कच्चे केले से टिक्की मस्त बनती है। आप बिना कच्चे केले के भी बना सकते हैं। सबसे पहले इन सभी को एक बाउल में डालकर मैश कर लेंगे। ध्यान रहे
आलू और केले को आप उबालकर ठंडा कर लें, फिर ही उसे मैश करें। तो यहाँ सभी चीज़ें मैश हो गई हैं। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे। नमक और हल्दी को भी टिक्की के मिक्सचर में मिला लें। आप चाहें तो इसमें और मसाले डाल सकते हैं, बट मैं इसे सिंपल ही रख रही हूँ। घी का मिक्सचर तैयार है। अब एक एक करके टिक्की बना लेते हैं। तो आप मीडियम साइज के बॉल जितना मिक्सचर ले लें। इसे हल्का गोल कर लेना है, फिर इसे हाथों की मदद से हल्का प्रेस करते हुए टिक्की की शेप दे देनी है। टिक्की आप अपने अकॉर्डिंग बड़ी छोटी बना सकते हैं। तो यहाँ सेम तरह से मिक्सचर लेकर मैं बाकी की भी टिक्की बना लूँगी। सभी टिक्की बनकर रेडी है। चलिए इन्हें सेक लेते हैं। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डाल लें। तेल के गरम हो जाने पर इसमें एक एक कर टिक्की रख लें। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखते हुए टिक्की को सेक लेना है। जैसे ही टिक्की एक तरफ से सिक जाए, उसे पलट कर दूसरी तरफ से सेक लेंगे। टिक्की को क्रिस्पी ब्राउन होने तक सेक लेना है। यहाँ पर एकदम करारी सी और बढ़िया सी टिक्की तैयार है। इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। कोई भी चाट चटनियों के बिना तो अधूरा ही है। तो चलिए चाट की दो सबसे इम्पॉर्टेंट चटनियाँ बना लेते हैं। सबसे पहले तीखी हरी चटनी बनाएंगे, जिसे बनाने के लिए एक मिक्सर जार में 2 लहसुन की कलियाँ, आधा चम्मच किसा हुआ अदरक, 2 तीखी हरी मिर्च को इस तरह से तोड़कर ऐड कर लेंगे। फिर चटनी का मेन इंग्रेडिएंट खूब सारा फ्रेश हरा धनिया ऐड करना है, साथ ही स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा काला नमक, 3 से 4 बर्फ़ के टुकड़े और आधा नींबू का रस डाल लेंगे। सभी चीज़ों को एकदम फाइन पीस लेना है। ज़रूरत पड़ने पर पानी डालकर भी पीस सकते हैं। ये लीजिए, एकदम फ्रेश हरी चटनी पीसकर तैयार है। नींबू ऐड करने से चटनी का कलर ग्रीन ही रहेगा और ये काली नहीं पड़ेगी। इस हरी चटनी को एयर टाइट कंटेनर में भरकर स्टोर किया जा सकता है। बस इसे आप रेफ्रिजरेटर में ही रखें। चलिए अब मीठी चटनी बना लेते हैं। मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने पहले से एक बाउल भर के खजूर और इमली को गर्म पानी में भिगाकर रख लिया था। खजूर और इमली के सारे बीज आप निकाल लें। तो अब इस भीगी हुई इमली और खजूर को पैन में डाल लेंगे, साथ ही 1/4 कप गुड़ ऐड कर लेना है। अब इसमें 1 कप गर्म पानी डालकर इस मिक्सचर को 5 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। तो इसे चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पर उबाल लें। मिक्सचर बॉईल हो चुका है। जो गुड़ ऐड किया था वो भी मेल्ट होकर पक चुका है। तो अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ करके इस मिक्सचर को नीचे उतारकर पूरी तरह ठंडा होने दूंगी। मिक्सचर पूरी तरह ठंडा हो चुका है। इसे अब मिक्सर जार में डाल लेंगे। फिर इसमें मैं 1/2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। ये वो पानी है जिसमें मैंने इमली और खजूर को भिगाया था। अब इसे एकदम फाइन पीस लेना है। यहाँ पर एकदम स्मूथ सी चटनी पीस चुकी है। इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इस चटनी में अब 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच सौंठ का पाउडर और 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लेना है। इन सभी मसालों से ही इस मीठी चटनी का एकदम बढ़िया स्वाद आता है।
मसालों को चटनी में मिक्स कर लें। ये लीजिए, मीठी चटनी भी तैयार है। चलिए, चाट की पूरी तैयारी हो चुकी है, अब इसे सर्व कर लेते हैं। सबसे पहले प्लेट में सिकी हुई टिक्की रख लेंगे, फिर इन टिक्कियों पर गर्मा गर्म रगड़ा डाल लेना है। तो सभी टिक्कियों पर अच्छी तरह रगड़ा डाल लें, फिर ऊपर से बनाई हुई हरी चटनी डाल लेंगे। जितना आपको तीखा पसंद हो उतनी डालें, साथ ही खजूर इमली की मीठी चटनी भी डाल लेंगे। बारीक कटी हुई प्याज और अनार के दाने भी डाल लेने हैं। ऊपर से क्रंच के लिए सेव और पापड़ी क्रश करके डाल लेंगे। और एक बार दोबारा से हरी चटनी भी डाल ली है। तो ये लीजिए, एकदम आसान, चटपटी और बहुत ही मज़ेदार रगड़ा पैटीज बनकर तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म ही इंजॉय करें। आई एम श्योर ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो आप भी अब घर पर रगड़ा पैटीज बनाकर उसका मज़ा लें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।